हम लोग अपने YouTube के सब्सक्राइबर्स जितने भी है 10,500,000 उनको हाइड कैसे करें, मतलब कोई भी दूसरा पर्सन अदर व्यूअर्स को हम लोगों का सब्सक्राइबर नहीं दिखना चाहिए कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं। इसके काफी सारे फायदे हैं, फिलहाल तुम लोग ये जानो कि इसको हाइड कैसे करते हैं। सभी कुछ आपके एंड्रॉयड में भी हो सकता है, पीसी में भी हो सकता है, आप जो यूज करते हैं आप उसी में कर सकते हैं। आप अगर एंड्रॉयड यूज करते हैं तो आपको जाना है क्रोम में, डेस्कटॉप मोड को ऑन करना है और क्रिएटर स्टूडियो में जाना है, और पीसी में तो सभी कुछ डायरेक्ट ही है। तो मैं एंड्रॉयड वाला बता रहा हूँ क्योंकि एंड्रॉयड वाला ही काफी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, पीसी वाला तो नॉर्मल सही है। तो एंड्रॉयड में जाने के बाद यूट्यूब को ओपन करना है आप लोगों को डेस्कटॉप मोड में, मतलब आपका जो एंड्रॉयड है वो एक डेस्कटॉप की तरह वर्क करेगा। तो ओपन करने के बाद आपको वहां पे जाना है क्रिएटर स्टूडियो पे, उस चैनल का क्रिएटर स्टूडियो जिस चैनल का सब्सक्राइबर्स आपको हाइड करना है उस चैनल का क्रिएटर स्टूडियो में आपको जाना है। क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बदलाव है, यहाँ से आपको सबसे नीचे जाना है, वहां आपको छोटा सा एक सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सेटिंग का एक ऑप्शन रहेगा, वहां पे ऑप्शन या आइकन आप जो कहो वो रहेगा, उसको आपको टैप करना है। वहां पे टैप करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स मिलेगी, जैसे जनरल सेटिंग्स, फिर चैनल का कुछ सेटिंग्स रहेगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा आपके सब्सक्राइबर्स हाइड करने का एक रहेगा, हाउ हाइड सब्सक्राइबर्स वो ऑफ रहेगा, उसको आपको ऑन कर देना है, और आप तब आपका चैनल का जितना भी सब्सक्राइबर्स है वो किसी और व्यूअर्स को नहीं दिखेगा, यहाँ तक कि आपको भी नहीं दिखेगा। जब आप YouTube ऐप पर देखते हो, आप क्रिएटर स्टूडियो में जाके देखोगे अपने चैनल का तो ही आपको दिखेगा, और कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में वो नहीं दिखेगा सिवाय YouTube क्रिएटर स्टूडियो पे जो कि YouTube का ऑफिशियल है। ये तो आपने जान लिया कि इसको हाइड कैसे करते हैं, बट इसके क्या फायदे, हम लोग हाइड क्यों करना चाहते हैं, हम लोग को क्या फायदा क्या होगा हाइड करके। देखो जो व्यूअर्स होते हैं ना उनका थोड़ा सा ना माइंड देख देख के काम करता है, मतलब अगर वो आपके एक वीडियो को देखेंगे उसको उस वीडियो में थोड़ा सा डाउट रहेगा, इस वीडियो ये वीडियो अच्छा भी है खराब भी है, या फिर ये वीडियो उतना भी अच्छा नहीं है बट उतना भी खराब नहीं है, इस टाइप का अगर कुछ डाउट रहेगा तब वो मतलब जो व्यूअर्स है ना वो कन्फ्यूज आता है, हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि ना करें। तब अगर किसी का सब्सक्राइबर्स दिख जाए कि इस बंदे का तो सिर्फ 40 या 50 सब्सक्राइबर है, तब उसका माइंड ना उल्टा तरफ घूम जाता है कि नहीं हम इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसका सिर्फ 40 से 50 सब्सक्राइबर। तो इस चीज से बचने के लिए सब्सक्राइबर्स हाइड करना जरूरी हो जाता है बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनिंग में यूट्यूब ज्वाइन किया है अभी अभी, तो उनको क्या पता कि आपके पास कितने सब्सक्राइबर, उनको वीडियो वॉइस टाइप का सिचुएशन आने से वो सीधा आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उनको मतलब कोई भी और डाइवर्ट करने वाला कोई भी चीज नहीं रहेगा। तो ये फायदा है सब्सक्राइबर्स हाइड करने का। फिलहाल और भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट कर दो, और फिलहाल वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।